Biotech India Private Limited, and hope you all are having a wonderful Sunday afternoon. And we will be taking you through our presentation, which will talk about, you know, the business model, the technology, और ये business है क्या, और ये इसको अगर आप franchise लेते हैं तो इसमें आपके क्या benefits होते हैं, किस तरीके से आप एक innovative technology को as a franchise model चला के एंड यूजर का पैसा बचाते हुए अपनी अर्निंग करते हो, जो कि बहुत ही नायाब बिजनेस मॉडल है. सो अ वार्म वेलकम टू ऑल एंड वी विल स्टार्ट विद अवर प्रेजेंटेशन. सो व्हाट बिजनेस इज दिस, ये बिजनेस है क्या? सो दिस बिजनेस वाज अबाउट 70,000 crore, यानी कि 70,000 crore का ये बिजनेस था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन इंडिया में. एंड दिस फिगर इज ग्रोइंग each year. So ये अगर last year 70,000 crore था, तो इस साल ये बढ़ के शायद 80,000 हो जाएगा, और 2025 तक, by 2025, this industry is going to be at least 1,25,000 crore. Why 70,000 crore doesn't sound true? ये सोच के ऐसा क्यों लगता है कि ये business इतना बड़ा है या नहीं है? Think, can you relate any person living without a battery? If not, don't you feel that this is the right business too? क्या कोई ऐसा इंसान आज है जो batteries use नहीं कर रहा? और यहाँ हम सिर्फ lead acid battery की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपकी inverter की battery हो, आपकी गाड़ी की battery हो, आपके forklift की battery हो, UPS की battery हो, या telecom tower की battery हो. We are only talking about lead acid battery. आज के scenario में जितना हमारा dependence electronics पे बढ़ता जा रहा है, उतना ही डिपेंडेंस हमारा बैटरीज पे भी बढ़ता जा रहा है. सो द बिजनेस इज एक्चुअली, इट वाज अबाउट 70,000 करोड़ लास्ट ईयर एंड इट इज गोइंग टू ग्रो ओवर कमिंग इयर्स. समथिंग अबाउट अस, हम लोग के बारे में कुछ जानकारी जो है वो हम देना चाहेंगे. सो वी आर अ 6-year-old कंपनी बेस्ड आउट ऑफ गुरुग्राम. 6 साल पहले हमने ये कंपनी फॉर्म करी थी, हैविंग एन एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी बेस ऑफ 125 spread across the country. So as of now, this number is about 137, and this number is growing, you know, day by day. Over 200 trained manpower to support the sales and service across the country. So हमारे पास करीब करीब 200 अपनी manpower है, जो कि trained engineers हैं, जो कि franchisee को sales में भी और service में भी support करते हैं. Serviced over 1,000 clients in last 6 years. 1,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर या इंडिविजुअल क्लाइंट्स को हम ये सर्विस दे चुके हैं. एंड मोर देन 5 lakh बैटरीज हैव बीन रिवाइव. जितनी भी लेड एसिड बैटरी जो कि 3-4 साल चलने के बाद जिनका बैकअप कम हो जाता है सल्फेशन की वजह से, उन तमाम बैटरीज को हमने रिवाइव किया. एंड मोर देन 5 lakh बैटरीज वी हैव रिवाइव विद एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. टॉप कॉर्पोरेट्स लाइक भारती, अल्ट्राटेक, MTNL, नोकिया, मैग्ना, फिनकॉप एक्सेट्रा. सो ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हमने पैन इंडिया इन बड़े कंपनीज के साथ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ साइन किए हैं, जिनको हम बैटरी रिवाइवल या रिजुविनेशन की सर्विसेज देते हैं. अबाउट पीपल, सो हु आर द पीपल हु आर रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन? सो द ग्रुप इज रन बाय प्रोफेशनल्स हु हैव लेड टॉप कॉर्पोरेट्स लाइक वीडियोकॉन, LG, एयरटेल, DTH, नेस्ले, AB.com, एविएशन एक्सेट्रा. सो ये जो हमारा ग्रुप है जो ये इस कंपनी को चला रहा है, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हु हैव लेड टॉप कॉर्पोरेट्स, मतलब टॉप कॉर्पोरेट्स लाइक वीडियोकॉन के टॉप लेवल पे काम किया है, LG के टॉप लेवल पे काम किया है, एयरटेल के, DTH के टॉप लेवल पे काम किया है. और ये ग्रुप ऑफ पीपल हैव जॉइंड हैंड्स अबाउट 6 years बैक एंड दे स्टार्टेड दिस वेंचर. सो आवर ग्रोथ ओवर द ईयर्स, सो द ग्रोथ हैज बीन फैंटास्टिक फ्रॉम 6 franchises. हमारे पास 2015 में सिर्फ 6 franchisee थे और आज करीब करीब 137 franchisee प्लस इन 2020. और हर महीने हर रोज हमारे साथ franchisees जुड़ रहे हैं, हम लोग वेबिनार्स करते हैं, हम लोग एडवर्टाइज करते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये नंबर जो है ये हर महीने बढ़ रहा है. सो वॉट चेंज डू वी ऑफर, ऐसा क्या है इस बिजनेस में जो कि एक अलग टेक्नोलॉजी है, एक अलग तरीका है पैसा कमाने का, जहां पे आप एंड कस्टमर का पैसा बचाते हुए अपनी अर्निंग कर सकते हैं. सो वी ऑफर इंडिविजुअल कस्टमर टू सेव ओवर 80% ऑन हिज एक्सपेंडिचर ऑन बैटरी परचेज. यानी कि अगर एक कस्टमर है
एक इंडिविजुअल है अगर उसने नया बैटरी खरीदना है तो हम उसको ये कहते हैं कि साहब अपना नया बैटरी मत खरीदिए, 80% पैसा बचाइए, 20% हमारे को देके उसी बैटरी को आप रिवाइव करिए, और ये बैटरी में हम एक साल की वारंटी देते हैं। और वारंटी ये नहीं है कि खाली वारंटी दे दिया, इट इज अ वारंटी विद रिप्लेसमेंट, विच मीन्स दैट इन केस हमारे वारंटी के टाइम दौरान अगर वो बैटरी खराब हो जाती है, सो आइदर वी विल ट्राई एंड रिपेयर दैट बैटरी और वी विल रिप्लेस दैट बैटरी, सो इट इज अ वारंटी विद रिप्लेसमेंट। सिमिलर यू नो सर्विस इज बीइंग एक्सटेंडेड टू कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चाहे वो इंडस्ट्री हो या कोई बड़ा कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, ये लोग बहुत भारी तादाद में बैटरीज यूज करते हैं। अब आप ये देखिए कि एयरटेल या भारतीय इंफ्राटेल या अमेरिकन टावर कंपनी जो कि ये अपने मोबाइल फोन के टावर्स चलाते हैं, हर एक मोबाइल फोन के टावर के नीचे 2 वोल्ट का एक बैटरी बैंक 2 से 2.5 लाख रुपए का लगा हुआ, तो आप इमेजिन करिए कि पूरे हिंदुस्तान में इन टावर कंपनीज की कितनी बैटरी लगी होगी। सो वी सिमिलरली ऑफर द सेम सर्विस वेयर दे कैन सेव 80% ऑन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो उनके बैटरी का नया का परचेज का कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 80% वी सेव। वी ऑल्सो मेक देम हैसल फ्री टू मेंटेन दीज बैटरीज। नाउ ये जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं या बड़े गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं या गवर्नमेंट PSUs हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैटरीज यूज करते हैं तो उन बैटरीज का मेंटेनेंस के लिए भी इनका काफ़ी पैसा जाता है। सो जब ये बैटरीज हमसे रिवाइव कराते हैं तो हम उनकी बैटरीज मेंटेन करते हैं, सो दे सेव ऑन देयर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल्सो। वी ऑफर अवर कस्टमर्स द बैटरी सर्विस सेंटर्स ऑन विच वी मोनोपोलाइज। अब ये जो बैटरी सर्विस सेंटर्स हैं या जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं, ये हमारा एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। ऐसा कोई कंपनी या ऐसा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है जो इस तरीके के बैटरी सर्विस क्लिनिक्स खोल रहा है या अवेलेबल है। सो वी मोनोपोलाइज यू नो इन दिस सेगमेंट एंड वी आर द ओनली कंपनी जिनके ये बैटरी सर्विस क्लिनिक्स खुले हुए हैं, और उन सारे क्लिनिक्स पे बैटरी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जहां से ये सर्विसेज एक्सटेंड होती हैं इंडिविजुअल गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को। हैव वी एवर हर्ड ऑफ अ बैटरी रिवाइवल? क्या हमने कभी सोचा है कि बैटरी रिवाइव हो सकती है? इन इंडिया वी रिपेयर एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट कम्स फ्रॉम चाइना। Why not the batteries? Battery is like a shadow to every human being, and also it is very heavy cost to the people where one cannot think of delaying the investment. Am I right? क्या आपने किसी भी business में जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं या अपने घर पे या अपनी गाड़ी में ये सुना है कि battery use नहीं होती? चलिए अगर battery use होती है तो मैं सही बोल रहा हूँ। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर वो battery खराब हो जाती है तो आप उसका क्या करते हैं? अब आपके घर पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है लाइक योर एलईडी टीवीज और योर ओवन्स और योर माइक्रोवेव्स और योर सेलफोन। सो अगर आपका सेलफोन खराब हो जाता है या माइक्रोवेव खराब हो जाता है तो आपको पता है कि उसको कहाँ लेके जाना, उसका सर्विस सेंटर कहाँ है एंड हाउ टू गेट इट रिपेयर्ड। बट व्हाट अबाउट बैटरीज? अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है, अगर तो वो वारंटी के अंदर है तो आप उसको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जहां से उस बैटरी को आपने परचेज किया है आप उधर लेके जाएंगे, और उसको अगर वारंटी में है तो वो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस कर देगा। बट अगर वो बैटरी वारंटी के बाहर है तो क्या आपको कोई ऐसा सर्विस सेंटर पता है जहां आप इस बैटरी को ले जाके उसको रिपेयर करा सके? ऐसा कोई सर्विस सेंटर नहीं है जहां आप अपनी बैटरीज को ले जा पाए एक्सेप्ट फॉर एनर्जी एंड फायर बैटरी सर्विस क्लिनिक वेयर यू कैन टेक दीज बैटरीज एंड गेट देम रिवाइव्ड और रिजुविनेटेड। थिंक, Have you ever seen or heard of a battery business closing down? Now, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जितना हमारा electronics पे dependence बढ़ता जा रहा है उतना batteries भी हम use करना हमारी जिंदगी में शुरू कर रहे हैं, चाहे वो हमारे घर की inverter की battery हो या UPS में office में लगी हुई battery हो या अपनी गाड़ी की battery हो या e-rickshaw की battery हो। जितना हमारा electronics पे dependence बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा हम battery का use भी कर रहे हैं, और ऐसा पिछले 10 साल में 20 साल में जब से ये बैटरीज बिक रही हैं ऐसा कोई OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, चाहे वो एक्साइड हो, एमरॉन हो, लुमिनस हो, श्नाइडर हो, कोई भी बैटरी का ब्रांड आपने लास्ट 10 15 20 साल में नहीं सुना होगा कि उसका बिजनेस खराब हो गया और उसने बिजनेस बंद कर दिया। दिस इज द ओनली सेगमेंट और ओनली बिजनेस विच इज ग्रोइंग। सो यू आर इन अ बिजनेस वेबिनार ऑन विच वी विल स्पीक अबाउट अर्निंग by saving money of individual, government and corporates.
सो ये ऐसे बिजनेस वेबिनार में आप लोग हैं जहां पे आप पैसा कमाएंगे लेकिन दूसरे का पैसा बचाते हुए कमाएंगे। सो ये बिजनेस जब आप एक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज आप दे सकते हैं एक इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट को या कॉरपोरेट को? आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उन तमाम बैटरीज का जो वो यूज कर रहे हैं, यानी कि जब वो बैटरीज वारंटी से बाहर हो जाती हैं तो आप उन तमाम बैटरीज को, बिकॉज आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो सारी बैटरीज आप एएमसी के अंडर ले सकते हैं। दूसरा, हमारी कंपनी ने एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड, ईएनएफ, एनर्जी एंड फायर एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड लॉन्च किया है, विच मीन्स दैट किसी भी इंडिविजुअल की या कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की या गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जब वारंटी से बाहर बैटरी हो जाती है तो एनर्जी एंड फायर का एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड आप उन तमाम बैटरीज पे बेच के एक अपना कमीशन या पैसा कमा सकते हैं। देन बैटरी रिवाइवल बिजनेस, जो कि हमारा कोर बिजनेस है। अब बैटरी रिवाइवल क्या है कि 3-3.5 साल चलने के बाद आपके घर की इन्वर्टर की बैटरी का बैकअप नीचे चला जाता है। वो नीचे चला जाता है जो बैकअप, वो जाता है बिकॉज ऑफ सल्फेशन, जो कि एक लेड की प्लेट पे हो जाती है। अब एक लेड एसिड बैटरी में दो कंपोनेंट है, एक लेड की प्लेट है और नीचे सल्फ्यूरिक एसिड है इन केस ऑफ फ्लडेड बैटरी, या एसएमएफ या वीआरएलए में जेल है। अब हर एक चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान कुछ सल्फर के पार्टिकल्स लेड की प्लेट पे जमा हो जाते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक परत जैसा, एक दीवार जैसी बन जाती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता और बैटरी का बैकअप नीचे आ जाता है। बट एज अ लेमैन हम क्या करते हैं, हम उस बैटरी को बोलते हैं जब 20 मिनट का बैकअप रहेगा कि अब ये बैटरी डेड हो गई। सो हमारी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा क्या ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, उन बैटरीज को आप रिवाइव कर सकते हैं और वापस कस्टमर को ये विद एक साल की वारंटी के साथ दे सकते हैं। देन यू कैन डू बैटरी एक्सचेंज बिजनेस की पुरानी स्क्रैप की बैटरी लेके आए, उनको रिवाइव करिए और मार्केट में बेच दीजिए, या पुरानी बैटरी लेके नई बैटरी जो आपने रिवाइव करी हुई है वो कस्टमर को दे सकते हैं। देन रिफर्बिश्ड बैटरी सेल, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पुरानी बैटरी लेके उसको रिफर्बिश करके, बैटरी रिवाइव करके आप एक साल की वारंटी के साथ भी बेच सकते हैं। बैटरी रेंटल्स का भी काम शुरू कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडस्ट्रीज हैं जो बैटरी रेंटल्स पे लेते हैं, सो रिवाइव्ड बैटरीज आप उनको रेंट आउट भी कर सकते हैं। बैटरी हेल्थ चेक ऑडिट कर सकते हैं। नाउ After you become our franchisee, we give you the total training, the technical training, wherein you will become battery doctor. तो आप बड़े organization को जो उनकी batteries warranty में हैं, उनको एक health check करके audit report भी दे सकते हैं और ये service देते हुए कुछ पैसा कमा सकते हैं। Then charging, boost charging भी कर सकते हैं। Now boost charging से normal charging तो आप कर ही सकते हैं इस machine से। बूस्ट charging का मतलब ये है कि बहुत सारी batteries ऐसी हैं जो dealer distributor points पे पड़ी हुई हैं और कभी use ही नहीं हुई। अब वो सारी बैटरीज डीप डिस्चार्ज मोड में चली गई, उनको चार्ज करने के लिए नॉर्मल चार्जर से वो चार्ज नहीं हो सकती, उसके लिए आपको बूस्ट चार्जर की जरूरत है जो हमारे इस मशीन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि किस तरीके से हमारी ये टेक्नोलॉजी काम करती है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 150 AH टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, 150 AH की टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, जनरली ये इन्वर्टर में यूज होती है। एवरेज कॉस्ट ऑफ दिस बैटरी इज अबाउट 15,000 rupees, 15,000 rupees की ये बैटरी आती है और इसकी एवरेज लाइफ करीब करीब 3 साल की होती है, 2 साल की वारंटी या 2.5 साल की वारंटी में आती है। मैं 3 साल एवरेज लाइफ इसलिए कह रहा हूँ कि 3 साल चलने के बाद इसका जो बैकअप है, जो पहले 4 घंटे होता था, वो अब करीब करीब आधा घंटा या 40 मिनट रह जाता है। सो कॉस्ट पर ईयर अगर 15,000 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर ईयर इज 5,000। अगर इस बैटरी को आप रिवाइव करते हैं और एंड कस्टमर को देते हैं तो 2,250 rupees में ये बैटरी रिवाइव करके आप कस्टमर को दे सकते हैं और ये बैटरी 12 से 18 महीने, एक साल की हम वारंटी देते हैं बट 18 से 24 महीने तक ये बैटरी आराम से काम करती है और इफेक्टिव सेविंग उस कस्टमर की 2,750 rupees पर ईयर है। सिमिलर एग्जांपल है नीचे की 300 AH की। आप बात ये है जो रिजुविनेशन कॉस्ट लिखी हुई है, ये आपकी कॉस्ट नहीं है, ये वो चार्ज है जो आपने एंड कस्टमर को करना है। आपका जो चार्ज है वो सिर्फ 5% है कॉस्ट ऑफ बैटरी का, यानी 15,000 का 5% आपका कॉस्ट है और 15% या 20% आप आगे से कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। सिमिलर एग्जांपल इज ऑफ 2-volt सेल, जिसमें 24 सेल होते हैं और 48 वोल्ट का एक 300 AH का बैटरी बैंक बनता है। अब इंडस्ट्रीज में या टेलीकॉम टावर्स में या पावर सेक्टर में
फोकलिफ्ट्स में, गोल्फ कार्ट में ये बैटरीज यूज होते हैं। ये एक बड़ा बैटरी बैंक होता है। दो ही तरह की लेड एसिड बैटरी आती है, या तो 12 वोल्ट की आती है या 2 वोल्ट के सेल्स होते हैं। सो ऊपर जो 150 Ah का टॉल ट्यूबलर का एग्जाम्पल है वो 12 वोल्ट बैटरी का है, और जो नीचे है वो 300 Ah का 48 वोल्ट का एक बैटरी बैंक है। सेम स्टैट्स है, 3 साल अगर 1,44,000 रुपये का ये बैंक है, 3 साल उसकी एवरेज लाइफ है, तो इफेक्टिव कॉस्ट पर ईयर जो है उसकी 48,000 है। रिजुविनेशन कॉस्ट जो आपने चार्ज करनी है दैट इज 36,000। ये यही बैंक 1.5 से 2 साल चलेगा, वारंटी 1 साल की है, और 24,000 रुपये की पर ईयर सेविंग है। सो आप अंदाजा लगाइए कि गवर्नमेंट सेक्टर या कॉरपोरेट या इंडस्ट्रीज में इस तरीके की कितनी बैटरीज लगी हुई हैं, और अगर 1 साल में आप एक बैंक पे उनका 24,000 रुपया बचा रहे हैं, तो 1 साल में उस तमाम बैटरीज पे या तमाम बैंक्स पे कितना पैसा बचा सकते हैं। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट हु आर अवर कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स हैं कौन? थिंक एंड टेल मी हु इज नॉट यूजिंग अ बैटरी। क्या कोई ऐसा इंसान या गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट आज के डेट में या इंडिविजुअल ऐसा है जो कि बैटरी यूज नहीं कर सकता? सो गवर्नमेंट यस, दे आर अवर कस्टमर्स। कॉर्पोरेट यस, इंडस्ट्रीज यस, इंडिविजुअल जो बैटरीज अपने घर की है, अपनी गाड़ी की यूज करते हैं, वो भी हमारा कस्टमर है। नाउ हाउ आर वी डिफरेंट? हमारे पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं है? सो करीब 6 साल पहले ये टेक्नोलॉजी हम US से लेके आए थे इंडिया में। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वेयर इन यूजिंग दिस मशीन विच इज ऑन द राइट ऑफ योर पिक्चर एंड दिस केमिकल वी कॉल इट एलिक्सर। बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वी आर एबल टू डीसल्फेट द बैटरीज। नाउ एक लेड एसिड बैटरी में अगर आपकी इन्वर्टर की बैटरी है और आपने कभी उसको ध्यान से देखा हो, तो उसके ऊपर 6 वेंट कैप्स होते हैं, यानी कि एक वेंट कैप के नीचे एक लेड की प्लेट है जो 2 वोल्ट की है। सो 6 अगर वेंट कैप्स हैं तो यानी कि 2-2 वोल्ट के 6 प्लेट्स उसके अंदर है और वो 12 वोल्ट की बैटरी है। अब ये बैटरी जब आप नई लेके आते हैं, इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं और लाइट जाती है, तो ये करीब करीब 4.5 घंटे फुल लोड पे, अगर 4-5 पंखे चल रहे हैं, 3-4 लाइट्स चल रही हैं, तो ये इन्वर्टर आपको करीब करीब 4 घंटे का या 5 घंटे का बैकअप देता है। बट यही बैटरी करीब 3-4 साल यूज करने के बाद उसका बैकअप नीचे आ जाता है। अब 84% केसेस में ये जो बैकअप नीचे आता है बैटरीज का, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द सल्फेशन। हर एक चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान कुछ पार्टिकल सल्फर के बैटरी की प्लेट पे चिपक जाते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज लाइक क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है बैटरी की प्लेट पे, बिकॉज ऑफ विच द करंट इज नॉट एबल टू फ्लो और बैकअप नीचे आ जाता है। सो बाई यूजिंग दिस केमिकल एंड दिस मशीन वी कैन डीसल्फेट दैट बैटरी, और वो फिर बैटरी करीब करीब 90 से 95% बैकअप देती है, यानी 3.5 से 4.5 घंटे का बैकअप देती है, और हम उस चीज की वारंटी देते हैं कि ये जो बैकअप है ये 1 साल तक मेंटेन रहेगा। अगर किसी कारण ये बैकअप नीचे आता है, सो आइदर वी विल रिपेयर इट फ्री ऑफ कॉस्ट और वी विल रिप्लेस दैट बैटरी। अब आती है बात कि ये टेक्नोलॉजी काम करती कैसे है। सो ये जो केमिकल है, इट इज अ बायो एडिटिव। बिना बैटरी को तोड़े या खोले हुए जो ऊपर वेंट प्लग्स लगे होते हैं उनके थ्रू ये केमिकल डाला जाता है। सो दिस केमिकल इट व्हाट इट डज इज दैट इट लूजन्स और ब्रेक्स द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन लेड एंड सल्फर। जो लेड और सल्फर की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है उसको ये ढीला कर देता है, या आसान शब्दों में बोले तो तोड़ देता है। और जो मशीन है ये एक पल्स वेव फॉर्म में करंट बैटरी की प्लेट पे डालती है, जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है, और जितना सल्फर जमा होता है बैटरी की प्लेट पे वो वापस सल्फ्यूरिक एसिड में आ जाता है। यानी कि जो सल्फर प्लेट पे चिपका था वो सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड का ही पार्ट था, वो वापस सल्फ्यूरिक एसिड में आ गया और बैटरी की प्लेट बिल्कुल नहीं हो गई। एंड देन दिस बैटरी स्टार्ट्स गिविंग यू अ बैकअप ऑफ 90% to 95% ऑफ अ बैकअप ऑफ अ न्यू बैटरी। सो द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, रेस्टोरेशन ऑफ एनी लेड एसिड बैटरी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ साइकिल। यानी कि वो बैटरीज जिनको हम एज अ लेमन डेड बोल देते हैं कि जी ये तो अब बैकअप ही नहीं दे रही है, 10 मिनट या 20 मिनट का रह गया, उन तमाम बैटरीज का बैकअप को हम रिस्टोर करते हैं। दूसरा, रिकवरी ऑफ ऑलमोस्ट फुल पोटेंशियल ऑफ दीज बैटरीज बाय डीसल्फेशन। जो मैंने आपको बताया कि हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज करने के बाद आपकी जो बैटरीज सल्फेट हो गई हैं उसको डीसल्फेशन हम या डीसल्फेट कर देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ लॉस्ट बैकअप, जो मैंने आपको बता ही दिया कि जो बैकअप नीचे चला गया था उस बैकअप को हम वापस लेके आ जाते हैं।
Now, a huge cost saving for any organization and invaluable saving of environment. Now, when we say that this business, number one, you save, जो आपका कस्टमर है, एक तो उसका आप पैसा बचाते ही हैं, दूसरा अपनी अर्निंग भी आप करते हैं, तीसरा एनवायरनमेंट को भी सेव करते हैं. व्हाई? बिकॉज़ जब ये लेड एसिड बैटरीज को हम डिस्कार्ड या स्क्रैप करते हैं तो उससे जो पोल्यूशन फैलता है, इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो कॉम्पोनेंट है, एक लेड का प्लेट है, लेड बींग द हेवीएस्ट मेटल, मोमेंट इट गोज इन टू द वॉटर टेबल वो पानी को कैंसेरियस बना देता है लेड. दूसरा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपने आप में इतना भयानक केमिकल है कि किसी जमीन पे उसको अगर आप फेंक दें तो वो 5 साल तक जमीन बंजर है, वहां कुछ उगा नहीं सकते. सो बाय एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ लेड एसिड बैटरीज यू आर नॉट ओनली अर्निंग, नॉट ओनली सेविंग द एंड कस्टमर्स मनी, एट द सेम टाइम यू आर सेविंग द एनवायरमेंट ऑल्सो. अब लेड एसिड बैटरीज में VRLA बैटरी भी आती है, इसको वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बोलते हैं, AGM जेल फ्लडेड, ये सब जो बैटरीज हैं, या SMF सील्ड मेंटेनेंस फ्री जो आजकल आ रही है, ये सब लेड एसिड बैटरीज, और सब लेड एसिड बैटरीज को हम रिवाइव कर सकते हैं. और जो मेजर एडवांटेज है दैट आज किसी गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या किसी फैक्ट्री में अगर 200-300 बैटरीज लगी हुई हैं और वो आज उनका बैकअप कम हो गया है और आप उस इंडस्ट्रियलिस्ट को जाके ये बोलते हैं कि साहब यही बैटरी को मैं वापस रिवाइव करूंगा और 150-200 साल ये बैटरीज चलेंगी, आपने सिर्फ मेरे को 20% देना है नई बैटरी की कॉस्ट का, तो जो आपने उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उसने आज खर्चना था उसको 2 साल जो आगे कर दिया, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सेविंग है. सो यू नो डेफरमेंट ऑफ केपेक्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन द परचेज ऑफ न्यू बैटरीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. सो व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ बैटरी फेलियर, बैटरी फेल होने के क्या मेन कारण है? इनकरेक्ट चार्जिंग, ठीक ढंग से बैटरी को चार्ज नहीं किया, एजिंग, बैटरी पुरानी हो गई, पुअर मेंटेनेंस, हीट, मैकेनिकल फेलियर, सल्फेशन, यही 6 कारण हैं एक बैटरी के फेलियर के. बट इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, अप टू 84% ऑफ दीज बैटरी डाई और फेल प्री मेच्योरली फ्रॉम सल्फेशन, यानी कि 84% जो बैटरीज हैं ये खराब या डेड या फेल होती हैं purely because of sulfation. And this report is not from Energy and Fire. This report is from a government organization called CECRI Chennai. So, आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 70,000 करोड़ की मार्केट है और उसमें से 84% बैटरीज प्योरली सल्फेशन की वजह से मर रही हैं, तो हम एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जहां हम इन तमाम बैटरीज को रिवाइव करके पैसा कमा सकते हैं और इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं और एंड यूजर का पैसा बचा भी सकते हैं. सो अवर बैटरी रिवाइवल टेक्नोलॉजी ये कैसे काम करती है और इसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरीके से ये एक बैटरी को हम रिजुविनेट या रिवाइव करते हैं. सो सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज स्क्रीनिंग. नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट ऑल लेड एसिड बैटरीज कैन नॉट बी, हर बैटरी रिवाइव नहीं हो सकती. वो बैटरी जो कि फिजिकली और मैकेनिकली इंटैक्ट नहीं है, यानी कि अगर बैटरी फूल गई है, बल्ज कर गई है, बैटरी की प्लेट टूट गई है, बैटरी के टर्मिनल जल गए हैं, वो बैटरीज रिवाइव नहीं हो सकती. सो सबसे पहले हम कोई भी बैटरी जो अपने प्रोसेस से में डालने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उन बैटरीज को स्क्रीन करते हैं. स्क्रीनिंग में कुछ टूल्स यूज करते हुए हमें ये पता लगता है कि बैटरी का हेल्थ कितना अच्छा है. अगर हमारे स्क्रीनिंग से कोई भी बैटरी पास हो जाती है तो वो 100% रिवाइव होती है. नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रेशन. नाउ इन केस ऑफ फ्लडेड बैटरीज जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड तो रहता ही है प्लस डीमिनरलाइज वाटर भी रहता है, अगर वो बैटरी हाइड्रेट हो चुकी है यानी कि उसमें पानी नहीं है या डीएम वाटर सूख गया है तो पहले उसको हाइड्रेट करना है. हाइड्रेशन के बाद देन इज रिजुविनेशन डायग्नोस्टिक्स. रिजुविनेशन डायग्नोस्टिक्स का मतलब है कि मशीन और करीब 28 टूल्स यूज करते हुए हम एक बार और बैटरी का हेल्थ चेक करते हैं ताकि आप 100% श्योर हो जाए कि जो हमारी स्क्रीनिंग में बैटरी आई है और मशीन ने भी जो बताया है उसके द्वारा ये जांच लिया जाए कि ये बैटरी 100% रिवाइव हो सकती है या नहीं हो सकती. आफ्टर द रिजुविनेशन डायग्नोस्टिक दम देन कम्स दैट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिसको मैं रिजुविनेशन या रिवाइवल बोलता हूँ. मशीन और वो केमिकल के द्वारा वो बैटरी को रिवाइव किया जाता है एंड देन देयर इज दिस फाइनल क्वालिटी चेक और उसके बाद कस्टमर को वो बैटरी वापस दे दी जाती है विद वारंटी कार्ड. अब जब ये रिवाइव हो जाती है बैटरीज तो
हम एक डिस्चार्ज टेस्ट करते हैं ताकि हमें ये पता लगे, और डिस्चार्ज टेस्ट हम स्क्रीनिंग के बाद भी करते हैं ताकि हमें पहले पता हो कि ये बैटरीज का बैकअप क्या है, और फाइनल क्वालिटी चेक के बाद भी हम डिस्चार्ज टेस्ट करते हैं कि हमारा रिवाइवल के बाद अब बैटरी का बैकअप कितना आ गया है, ताकि हम कस्टमर को ना सिर्फ वारंटी कार्ड दें, उसको एक रिपोर्ट भी सबमिट करें कि साहब आपकी जो पहले बैटरी आई थी उसका बैकअप इतना था, हमारे इस प्रोसेस के बाद इसका बैकअप इतना आ गया है। अब है कि आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो व्हाट आर द कंपनी सपोर्ट विच विल बी एक्सटेंडेड। नाउ देयर विल बी रेगुलर ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग सेशंस, मतलब कि बैटरीज जो हैं एक्चुअली दे बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। एक लॉट की, एक साइड की 100 बैटरीज निकली हुई, हर एक बैटरी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। सो ऐसा नहीं है कि एक बार ही हमने आपको ट्रेनिंग दे दी तो अब आप बैटरी डॉक्टर के तरीके से काम करना शुरू कर दें। टेक्निकल ट्रेनिंग की जो सपोर्ट है ये आपको बार बार चाहिए होगी, जब तक कि आप 6 महीने या 7 महीने ये बैटरीज पे काम ना कर लें। सो ये एक टेक्निकल ट्रेनिंग सपोर्ट है, क्योंकि हमारे 200 इंजीनियर्स हैं स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो ये सपोर्ट हम एक्सटेंड करते हैं हमारे हर फ्रेंचाइजी को। देन देर विल बी अ मंथली इंजीनियर विजिट, हर एक फ्रेंचाइजी के पास 1 महीने में 3 या 4 दिन के लिए हमारा इंजीनियर आता है जो कि सेल्स और सर्विस सपोर्ट में उसकी हेल्प करता है। देन देर विल बी अ टेली मार्केटिंग सपोर्ट, आपके एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या हॉस्पिटल्स हैं या बैंक्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां पे हम लोग टेली मार्केटिंग करके आपके लिए बिजनेस डेवलप करते हैं। देन देर विल बी अ डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी, विच मीन्स दैट वी विल डू योर फेसबुक, योर लिंक्डइन, योर इंस्टाग्राम, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आपको प्रमोट करेंगे एज आवर फ्रेंचाइजी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले। देन वी विल बी डूइंग योर स्टोर ब्रांडिंग, आपके स्टोर की इंटरनल और एक्सटर्नल जो ब्रांडिंग है वो हम करके देंगे। वी हैव गॉट कपल ऑफ नेशनल टाई अप, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है या भारती है या एयरटेल है या मैग्ना फिन कॉर्प है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, इन सबसे हमारे नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नीमराना में या एक्स लोकेशन पे आप अपना फ्रेंचाइजी खोलते हैं और वहां पे अल्ट्राटेक सीमेंट का प्लांट ऑलरेडी है, सो वो बिजनेस आपको डे वन से मिल जाएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दीज नेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइंड एंड वी हैव बीन एग्जीक्यूटिंग दीज कॉन्ट्रैक्ट्स और सब कॉन्ट्रैक्टिंग देम टू अवर फ्रेंचाइजी फॉर ऑलमोस्ट नाउ 2 to 3 years। देन जब आप इंडस्ट्रीज में या इंडिविजुअल्स के पास जाएंगे तो जिनके पास थोड़ी भारी तादाद में बैटरीज हैं, यानी कि 5 से 10 बैटरीज हैं, तो वो कभी आपको ये भी कह सकते हैं कि जी इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो आप ये ऐसा करिए कि 2 या 3 बैटरीज पहले मुझे करके दिखाइए और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी बैटरीज दूंगा। सो इन सब बैटरीज को जो कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए आपको करके देनी है, उसमें जितना भी ये एलिक्सिर केमिकल लगेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको देगी। नाउ विल कम टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट, कि इस फ्रेंचाइजी की इन्वेस्टमेंट क्या है। नाउ दिस इज अ 3-in-1 मशीन, ऑन द राइट यू कैन सी दिस एक्स चार्जर। ये जो मशीन है इट इज नॉट अ नॉर्मल मशीन। नाउ नॉर्मल चार्जर्स आर अवेलेबल फॉर 50-60,000 रुपीज। ये एक स्पेशलाइज्ड चार्जर है जिसके अंदर 3 मेन फीचर्स हैं। पहला फीचर है कि इसमें डायग्नोस्टिक फीचर है। जैसे ही आप किसी लेड एसिड बैटरी को इस चार्जर के साथ लगाएंगे, तब उस बैटरी के जितने भी इंटरनल पैरामीटर्स हैं, लाइक ओपन सर्किट वोल्टेज, क्लोज सर्किट वोल्टेज, स्टेट ऑफ चार्ज यानी कि या और स्टेट ऑफ सल्फेशन यानी कि उस बैटरी में कितनी परसेंट सल्फेशन हुई है, ये डायग्नोस्टिक मोड में विद इन 30 सेकेंड्स ये मशीन आपको बता देगी। सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज एन MRI फॉर बैटरीज। देन इट हैज गॉट अ बूस्ट चार्जर ऑल्सो, यानी कि इसके अंदर जो बैटरीज डीप डिस्चार्ज मोड में चली गई हैं वो नॉर्मल चार्जर से चार्ज नहीं हो सकती, उसके लिए बूस्ट चार्जर की जरूरत है। सो इसमें बूस्ट चार्जिंग फंक्शन भी है। और तीसरा, इट इज अ डीसल्फेटर ऑल्सो, जो मैंने आपको पहले बताया जो प्रॉब्लम 84% बैटरीज में होती है सल्फेशन की, उसको ये डीसल्फेट भी करता है। सो इट इज अ डीसल्फेटर ऑल्सो। सो इट इज अ 3-in-1 मशीन। सो दिस 3-in-1 मशीन, द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज 5 लाख। देर आर अबाउट 28 टूल्स विच कम्स अलॉन्ग विद द मशीन फॉर 50,000 रुपीज। एलिक्सिर केमिकल ये जो हमारा है ये 2,000 रुपए लीटर है, 25 लीटर इनिशियल किट में हम देते हैं 1,50,000 का। देन देर इज अ फ्रेंचाइज फीस। व्हाई वी चार्ज दिस फ्रेंचाइज फीस, बिकॉज वी एक्सटेंड ऑल दीज यू नो सपोर्ट्स। इसके लिए हम 1 लाख रुपए वन टाइम फ्रेंचाइज फीस चार्ज करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख।
GST on this is about 61,000. On the machine, the GST is 5%. Rest of the component, the GST is 18%. So 761 के आसपास ये total cost होती है. इसके अलावा infrastructure को लेके जहां आप ये business करेंगे, 200 से 250 square feet की जगह चाहिए, जो कि आप rent पे भी ले सकते हैं, अगर आपके पास available है, उसको use कर सकते हैं. Single phase 10 kVA का connection चाहिए, एक servo stabilizer चाहिए, 10 mm की कुछ वायरिंग करानी है, तो approximately 1 lakh rupees का और खर्चा है. So total investment is about 8 lakhs. So with this machine, 12 volt की 16 batteries can be attached at one time. और जो 2 volt के cells जो bank की बात करी थी, वो 72 cells एक बारी में लग सकते हैं. 12 volt की battery की बात करें, तो करीब करीब 300 batteries इस machine पे एक महीने में revive हो सकते हैं. और अगर हम 20% चार्ज करते हैं on the MRP, which is like, for example, अगर 100 AH की एक इन्वर्टर की बैटरी है जो कि 10,000 रुपए की आती है, और उसका मैं 20% एंड कस्टमर से चार्ज कर रहा हूँ, यानी कि 2,000 रुपया, तो मेरी जो रिवाइवल की कॉस्ट है, that is only 5% of 10,000, which is 500. So 500 is my cost, which includes your machine depreciation, your chemical cost, your rental cost, your labor cost, your electricity call, all put together. Your cost of reviving any 12 volt battery is 5% of the cost of a new battery. यानी 10,000 की battery का 5% cost आपका है, जो कि 500 रुपए है, और जो आप end customer से charge करने वाले हैं, वो 20% है, यानी 2,000 रुपए है. यानी कि 500 रुपए आपकी cost है, और 2,000 रुपए आपने end customer से charge किया, which means that there is a 300% margin in each battery. आप अपने 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 आप सोच के देखिए कि क्या 300% मार्जिन आज के सिनेरियो में इस कोविड के टाइम पे किसी बिजनेस के अंदर है. सो अगर आप 300 बैटरी ऑन अ हायर साइड, यानी कि फुल कैपेसिटी पे काम करते हैं, तो आपकी कमाई नेट प्रॉफिट इज अबाउट 4.5 लाख रुपीज ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 लाख. माइंड यू, 4.5 लाख रुपीज पर मंथ. बट जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो 300 बैटरीज तो आप सोर्स नहीं कर पाएंगे. शुरू में करीब 20 बैटरी आएंगी, फिर 50 आएंगी, फिर 100 आएंगी. धीरे 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 करते ये नंबर बढ़ेगा. बट मिनिमम से मिनिमम अगर आप 50 बैटरी भी करते हैं, तो भी 1 लाख रुपए का मिनिमम नेट प्रॉफिट एक महीने में आप कमा सकते हैं आराम से. ये हमारी एनर्जी एंड फायर की टीम है, करीब 200 लोग फील्ड में है, और कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि उद्योग विहार फेज 5 गुड़गांव में है, यहाँ पे करीब करीब 40 लोग हैं हमारे पास. सो टोटल अबाउट 250 पीपल आर देयर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर सम इवेंट्स जो हमने कुछ इवेंट्स पीछे किए थे फायर सेफ्टी को लेके या बैटरी रिजुविनेशन को लेके. और ऑन द राइट अगेन देयर आर सम क्लिप्स जो कि हमारे कंपनी एम्प्लॉइज के हैं. सो द नेम ऑफ द कंपनी इज एनर्जी एंड फायर. The mobile number mentioned, you can reach us on this number, which is 9090905599. Our office is in Udyog Vihar, so address is 513 Udyog Vihar, Phase 5, Gurgaon. And you can also reach us on our website, which is www.energyandfire.com for any further query. Or agar aapke paas koi aur sawal ho, to aap is number pe hamare ko between Monday to Saturday, you can reach us and you can ask us in case you have any query. Now we are open for the question answers round. Ashok ji, in case hello Ashok ji. Thank you, sir. Thank Gaurav ji. Dear participants, आज मिस्टर गौरव जी ने एनर्जी एंड फायर ब्रांड की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें बताया, एक्सप्लेन किया. अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में जाकर राइट हैंड पर क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर गौरव जी से बात कर सकते हैं. आपके पास किसी भी तरह के क्वेश्चन हो इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कहाँ ये फ्रेंचाइज लेनी चाहिए, उन सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिस्टर गौरव जी देंगे. तो आप चाहे तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, और आप चाहे तो चैट बॉक्स में आकर रेज हैंड पर क्लिक कर सकते हैं. शंकर, यू कैन अनम्यूट नाउ. क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर, श्योर.
Yes, dear participants. Now we have started question answer session. So you can ask your question to Mr. Gaurav, and you can also drop your question in chat box. Mr. Mayur, please just unmute Kari, please. Yes, Mr. Mayur. Mr. Mayur, you can unmute from your side. सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कस्टमर के बारे में हम जो बोल रहे हैं, ये कस्टमर सब आप प्रोवाइड करेंगे या हमको ढूंढने पड़ेंगे, या कुछ प्रोवाइड आप करेंगे हमको भी ढूंढने पड़ेंगे, बोथ साइड ये होगा? देखिए मयूर जी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कुछ मेरे नेशनल कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट हैं, तो जहां तो मेरे नेशनल क्लाइंट हैं उस पोर्शन पे तो मैं आपको ये सर्विस या ये बिजनेस दे दूंगा, बट आपको अपने फ्रेंचाइजी को खुद को चलाने के लिए बैटरी सोर्स आपको खुद को करनी है। कंपनी का सपोर्ट जरूर रहेगा वहां, अच्छा, ओके। लेकिन सोर्सिंग आपकी, इसलिए सोर्सिंग आपकी रहेगी क्योंकि जो भी बैटरीज आप रिवाइव करेंगे उसमें से मैं रेवेन्यू नहीं ले रहा हूँ, वो रेवेन्यू सारा आपका है। ओके ओके जी, समझ गया ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स मिस्टर मयूर। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, you can ask your question to Mr. Gaurav, and we have next question, Mr. Alok Jain. Mr. Alok, please unmute yourself, unmute kari please. Mr. Alok? Sir. Yes, Mr. Alok, now you can ask your question. मैंने पूछा था इस total franchise की, और इसके बाद भी इसमें कोई costing आएगी या क्या रहेगा इसमें? नहीं आलोक, आलोक जी, एक बारी आप ये मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आप जितनी बैटरी ज्यादा करेंगे तो सिर्फ आपको केमिकल खरीदना है, बाकी और कोई कॉस्ट नहीं आती है। केमिकल की रेट्स में इम्प्रूवमेंट बाद में? हाँ, अभी तो 2000 रुपए लीटर हम दे रहे हैं, बट आप ये देखिए कि जैसे मैंने बताया था कि किसी भी बैटरी को आप रिवाइव करते हैं तो केमिकल की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, रेंटल, लेबर की कॉस्ट सब मिला के 5% है। सो आप वो 2000 रुपए की जो फिगर है उसको उसमें मत जाइए, आपकी कॉस्ट केमिकल डाल के, इलेक्ट्रिसिटी डाल के, मशीन की डेप्रिसिएशन डाल के, रेंटल, लेबर सब डाल के 5% है नई बैटरी की कॉस्ट के। टोटल कॉस्ट इस फ्रेंचाइजी की क्या रहेगी? करीब 8 लाख रुपया है। अच्छा, मैं सब अपने पार्टिसिपेंट्स को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो मोदी जी ने शुरू करा है उसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें भी अप्रोच किया था बीइंग एन एमएसएमई कि कुछ फ्रेंचाइजीज को हम सेल्फ फंड भी करें, यानी कि हमने ये प्रपोजल करीब 30 फ्रेंचाइजीज के लिए अभी लॉन्च करा है, जिसमें से 3 लास्ट वेबिनार्स में से 11 या 12 फ्रेंचाइजी ऑलरेडी बन गए हैं। इसमें 50% जो 7 लाख रुपए का, यानी 3.5 लाख रुपया फ्रेंचाइजी डालता है और 3.5 लाख रुपया कंपनी इन्वेस्ट करती है, और कंपनी जब इन्वेस्ट करती है तो जो रेवेन्यू एक फ्रेंचाइजी पूरे महीने में कमाता है उसका 10% कंपनी को जाता है, 90% फ्रेंचाइजी को जाता है। अब मैं ये कह नहीं सकता कि अभी अब इस वेबिनार के बाद या आने वाले वेबिनार में कितने ऐसे स्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल रहेंगे, बट एज ऑफ नाउ 15-18 ऐसे स्लॉट्स अवेलेबल हैं अगर किसी को फाइनेंस का इश्यू है। थैंक यू सर। मिस्टर शम्स नजीर, मिस्टर शम्स प्लीज अपनी तरफ अनम्यूट करिए सर। मिस्टर शम्स अपनी तरफ से अनम्यूट करिए सर। नजीर साहब बोलिए प्लीज, आपसे बात हुई है हमारी। नजीर साहब, मिस्टर शम्स नजीर जी, आप चाहे तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको अनम्यूट कर दिया गया है, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यस मिस्टर नजीर। अशोक जी, आई विल सजेस्ट दैट यू टेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। मिस्टर नजीर, आप प्लीज अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, अभी हमने जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है वो है एनर्जी एंड फायर, जो पैन इंडिया अपने ब्रांड की फ्रेंचाइज दे रहे हैं,
और ब्रांड ने विद इन अ शॉर्ट पीरियड पैन इंडिया 125 प्लस फ्रेंचाइज सक्सेसफुली ओपन कर ली है। एनर्जी एंड फायर का जो यूएसपी है वो है लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न। तो मिस्टर गौरव ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, तो आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरी हैं या आप गौरव जी से बात करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप सर से बात कर सकते हैं। ओके मिस्टर मयूर, ओके मिस्टर मयूर अनम्यूट करिए प्लीज मित्रों से। हाँ सर, मुझे और एक पूछना है कि ये सब फ्रेंचाइजी चलाने के लिए मुझे कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ सकती है? तो मयूर जी, जब आप ये फ्रेंचाइजी खोलेंगे तो शुरू में आपको एक आईटीआई इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होल्डर, इंजीनियर नहीं, 12-13 हज़ार रुपए का एक फ्रेशर मिल जाता है जिसको हम ट्रेनिंग दे देंगे। एक और एक हेल्पर चाहिए। हाँ हाँ अच्छा, तो ये मतलब मिनिमम दो रिसोर्स लगेगा, दो रिसोर्स लग सकते हैं मुझे इनिशियली जी। और दूसरी बात ये है कि मयूर जी की जहाँ पे 5 से 10 से या ज्यादा बैटरी हैं वहां पे आपको वो बैटरीज उठा के अपने लोकेशन पे नहीं लानी। दिस इज अ पोर्टेबल मशीन, ये मशीन को उस लोकेशन पे जाकर ही आपको काम करना। अच्छा, मशीन को लेके जाना पड़ेगा मुझे लोकेशन पे? जी, बिकॉज आप अगर 100 बैटरी कहीं लगी है तो 100 बैटरी उठा के तो लाएंगे नहीं। हाँ बराबर है, यू आर राइट। इन पोर्टेबल है, आप गाड़ी में रख के ले सकते हो, रिवाइव करिए। किस लोकेशन से बोल रहे हैं अभी? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई में किस जगह से? प्रॉपर मुंबई, मुलुंड। मुंबई में किस जगह से हैं? मुलुंड से, मुलुंड। मुलुंड से, अच्छा, वहाँ पे गोरेगांव हमारा फाइनल हो गया है। ओके, गोरेगांव हम लोग जल्दी ही ओपन करने जा रहे हैं। ओके, तो एक बार मैं आके वहाँ पे चेक कर सकता हूँ क्या? आपका सेटअप कैसा है, क्या है वो मशीन, क्या है? आपको मशीन देखना है तो मैं, आप शंकर जी से बाद में कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, हम आपको एड्रेस दे देंगे, यू कैन गो एंड। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, श्योर सर, श्योर सर, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू मिस्टर मयूर, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर साइकेट, मिस्टर साइकेट प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, आप जो मशीन दे रहे हैं हमें जी, उसका गारंटी कितने दिन तक रहेगा? आप ऐसा है साकेत जी, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं चाहे वो आपका एलईडी टीवी हो या मोबाइल फोन हो, तो जनरली 1 साल का वारंटी आता है, बट मेरे इस मशीन का मैं 3 साल का ऑन साइट वारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कुछ कहाँ से रिपेयर हूँ, क्या करूँ उसके लिए? देखिए, जो हमने 5-5 साल पहले भी मशीन भेजी थी, अभी तक उसमें भी कोई इश्यू तो नहीं आया, बट अगर आप उसके बाद AMC है, आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उस मशीन का अगर चाहें, और अदरवाइज अगर कोई पार्ट खराब हो भी जाता है तो हम रिपेयर करेंगे और एक्चुअल कॉस्ट पे आपको चेंज करके देंगे। अच्छा 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 जी, आप किस लोकेशन? मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ, चंडीपुर। चंडीपुर, हाँ हाँ जी, वहाँ पे हमारा ऑलरेडी कोलकाता में सेटअप है। और कहाँ है सर, बताइए, देखना चाहता हूँ। आप शंकर जी इस नंबर पे वेबिनार के बाद शंकर जी से बात कर लीजिएगा या मंडे को बात कर लीजिएगा। शंकर जी, नंबर नहीं, शंकर जी एक बार प्लीज अपना नंबर अनाउंस कर दीजिए आप। 9811 9 शंकर जी अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर लेंगे, जहां भी आपको जिन जो भी फ्रेंचाइजी देखना चाहते हैं शंकर जी से कोऑर्डिनेट करके आप वो विजिट कर सकते हैं। मिस्टर साइकेट, आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप नहीं किया है, सो प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। हाँ, कर दिया है तो मैंने। ओके, तो नंबर 9732 ना? ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक,
कोलकाता में साकेत जी हमारे बड़े सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी चल रहे हैं एंड वी आर सोनी इंडिया एंड 24 परगना एंड हुगली एरिया, दो फ्रेंचाइजी ऑलरेडी और सेटअप हो रहा है, दो पहले से है, तो चार फ्रेंचाइजी वी हैव एट दुर्गापुर, दुर्गापुर में भी हमारे मास्टर फ्रेंचाइजीज हैं। अच्छा शंकर जी, यू कैन गेट इन टच विद हिम आफ्टर द वेबिनार। या डेफिनेटली सर। ओके मिस्टर जिग्नेश जी, मिस्टर जिग्नेश आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, इसमें एक बैटरी को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, मतलब एक दिन में हम कितना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं? मैंने बताया कि 12 वोल्ट की 16 बैटरी एक बारी में लग जाती हैं और करीब करीब 1.5 से 2 दिन का प्रोसेस है ये। दो दिन लगता है। रात को आप काम करेंगे नहीं तो सुबह अगर 9-10 बजे आपने अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट खोला है, शाम 6-7 बजे तक या 8 बजे तक काम किया अगले दिन फिर, सो करीब करीब एक्चुअल जो टाइम है वो करीब 15 से 18 घंटे है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ कि 2 दिन में 16 बैटरी रिवाइव होंगी। अच्छा, पर ये छोटी बड़ी साइज की होती है तो उसमें कैसे एडजस्ट होता है वो? इसमें एक रेजोनेंस मोड है, अलग अलग मोड्स हैं इस मशीन में, जैसे टेलीकॉम मोड है, क्रैंकिंग मोड है, डीप साइकिल मोड है, ऐसे ही एक रेजोनेंस मोड भी है। अब रेजोनेंस मोड में आप किसी भी एज की बैटरी इकट्ठे चार्ज कर सकते हैं, मतलब किसी का वॉट ज्यादा हुआ किसी का कम हुआ तो वो एक साथ में चार्ज कर सकते हैं ना, कोई इश्यू नहीं? यही मैं आपको बता रहा हूँ साहब कि एएच कैपेसिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 12 वोल्ट की किसी भी एएच कैपेसिटी की बैटरी इकट्ठे लगा के आप कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। अजय जी, ऐसा है कि जो लेड एसिड बैटरीज हैं, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि ये कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है ये इसको मद्देनजर रखते हुए बैटरी नहीं बनाता कि वो बैटरी 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, 6 साल चलेगी, वो ये साइकिल्स के हिसाब से बैटरी बनाई जाती है कि 1000 साइकिल चलेगी या 2000 साइकिल चलेगी। साइकिल जैसे मैंने बताया कि एक पूरे चार्ज को और एक पूरे डिस्चार्ज को एक साइकिल मानते हैं, और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने ये देखा है कि 50% या 55% साइकिल जब बैटरी कंज्यूम कर लेती है तब उसमें सल्फेशन हो जाता है। तो अगर 1000 साइकिल की कोई बैटरी थी और 550 साइकिल यूज करने के बाद उसको वो बैटरी का बैकअप नीचे आ गया, तो जितने 450 साइकिल बचे हुए हैं रिजुविनेशन के बाद वो पूरे होंगे। अगर वापस सल्फेट होती है तो आप अगर साइकिल बचाया तो कर सकते हैं, बट अभी तक हमारे एक्सपीरियंस से हमें ये पता है कि दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार रिजुविनेशन के बाद वो 2-2.5 साल वैसे ही चल जाती है। जी। और दूसरे मुझे पूछना था, आपने जो अभी आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया जी, उसमें जो कंपनी की रॉयल्टी रहेंगी 10% जी, वो लाइफ टाइम रहेगी? जी नहीं, लाइफ टाइम नहीं रहेगी, जब तक कि हम वो अपना जो 3.5 लाख रिकवर नहीं कर लेते तब तक रहेगी। इनकेस आप बैटरी ज्यादा करना शुरू कर देते हैं और 2 या 3 महीने में ही मुझे वो पैसा लौटा देते हैं तो उसके बाद आपको रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा सर, अभी मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, तो नागपुर से? नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र? नहीं नागपुर, नागपुर में अभी नहीं है, चंद्रपुर में है मेरे पास। ओके चंद्रपुर में है, तो इसमें कोई आपका एरिया बॉन्डिंग है कुछ? जो एग्रीमेंट हम साइन करते हैं उसमें एक्सक्लूसिविटी देते हैं, अगर नागपुर का एक एरिया मैंने आपको दिया है तो वहाँ दूसरा फ्रेंचाइजी मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छा, तो उसमें कितना एरिया यानी कितने रेडियस तक आप नहीं देते उसमें? वो डिपेंड करता है साहब, अगर आप बात करें पुणे जैसे शहर की जहाँ पे 5 मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है, आप एक चाकन इंडस्ट्रियल एरिया है पुणे में जहाँ पे कम से कम 8000 फैक्ट्री है, वो 8000 फैक्ट्री में एक आदमी तो काम नहीं कर सकता, वहाँ 3 से 4 मशीन लगेगी। लेकिन अगर पुणे सिटी की बात करें तो वहाँ एक ही फ्रेंचाइजी रहेगा क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा काम है नहीं। सो वो डिपेंड करता है, हमने वो करीब 648 या 50 जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे को एक फ्रेंचाइजी बनाना है। ओके ओके, सबके पैरामीटर्स अलग अलग है। हाँ जी, एरिया वाइज है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और दूसरा ये जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं जी, तो ये यानी ह्यूमन स्किन के लिए कुछ ये तो है ना साहब? ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि
बैटरीज जो हैं लेड एसिड बैटरीज, जब उनको आप डिस्कार्ड या स्क्रैप करते हैं तो उससे बहुत पोल्यूशन फैलता है। तो आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्किन का या बैटरीज, क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, सो लेट मी टेल ऑल द पार्टिसिपेंट्स दैट सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया भी हमारी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, बिकॉज आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पोल्यूशन एनवायरनमेंट पे जो लेड एसिड बैटरी का इफेक्ट आ सकता है स्क्रैप करने के द्वारा उसको रोक रहे हैं। सो ये 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम बैटरी को रिवाइव करते हुए ना तो तोड़ रहे हैं ना खोल रहे हैं। ओके जी थैंक यू अजय जी। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर गौरव जी से, शंकर जी से बात कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग अशोक जी, ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज डू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर सो दैट माय ऑफिस विल गेट इन टच विद ऑल ऑफ यू टुमारो एंड दे विल टेक योर आईडीज, देन देयर विल बी एन ईमेल from our side which will be sent to all the participants. That email will have all the details regarding this technology, the costing, the ROI sheet. Wo aap study kariye, uske baad is number pe hame dobara contact kariye in case you are interested to take the franchise, but please do leave your mobile number so that we can get in touch with you. Thank you sir. सर मिस्टर मनोज रावत जी का क्वेश्चन है जबलपुर से, वो जानना चाह रहे हैं कि आउटलेट ओपन करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट होगी? सर जितनी भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके, जो भी परमिशंस हैं वो सब हमारी पेरेंट कंपनी ने ले रखी हैं, आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। Dear participants, we have only 5 minutes left. अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर गौरव जी से और शंकर जी से बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रेप कर सकते हैं। सर यह लास्ट क्वेश्चन मिस्टर राजन है सर जी आसनसोल से, वो जानना चाह रहे हैं कि आउटलेट ओपन करने के लिए लोकेशन कमर्शियल चाहिए या रेजिडेंशियल में काम चल सकता है? जैसे मैंने पहले बताया कि इस मशीन जो है ये 10 केवीए लोड पे चलती है सिंगल फेज, तो कमर्शियल ही चाहिए, रेजिडेंशियल में 10 केवीए का लोड आपको मिलेगा नहीं। हाँ ये अलग बात है कि जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी है वहां पे जहाँ रेंटल्स बहुत ज्यादा है वहां आपको लेने की जरूरत नहीं है, वहां कोशिश करिए रेंट पे लेने की जहाँ रेंटल कम है, क्योंकि ये कोई ऐसा हमारा बिजनेस नहीं है कि वॉक इन क्लाइंटेल है आपकी कि बैटरी कोई हाथ में लेके आपके दुकान पे आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मशीन ही इंडस्ट्रीज में या जहाँ बैटरी ज्यादा यूज होती है, पोर्टेबल है मशीन, वहां ले जाके ही इसको काम करना है। जहाँ आप अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल रहे हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो आसपास की बैटरीज हैं या फिर कोई इन्वर्टर की घरों की बैटरी हैं वो ज्यादा आ सकती है। सो जहां रेंटल कम है वहां लीजिए अपना फ्रेंचाइजी, वहां खोलिए आप। किस लोकेशन से बोल रहे थे मैसी? आसनसोल। आसनसोल ओके। मिस्टर जीतू जी, जीतू जी, मिस्टर जीतू जी अनम्यूट करिए प्लीज। यस मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बताइए, वी कैन हियर यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं नियर ऑफ गुड़गांव रहता हूँ, एमपी मुरैना से, नियर ऑफ ग्वालियर के पास में है जी। तो मैं आपके यहाँ पे आके इसके ट्रेनिंग सेशन को पूरा देख सकता हूँ सर? आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुड़गांव से? नहीं सर, गुड़गांव नहीं, मैं एमपी से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से, मुरैना डिस्ट्रिक्ट से। कोई बात नहीं, आपको दिल्ली आने की या गुड़गांव आने की जरूरत नहीं है, आप भोपाल जाके दे सकते हैं, भोपाल में दो मशीन। नहीं सर, दिल्ली मेरा पास में पड़ता है, भोपाल यहाँ से 450 450 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली मेरा 285 है।
ठीक है सर, तो मोस्ट वेलकम, यू कैन कम टू अवर गुड़गांव ऑफिस, एड्रेस लिखा हुआ है, आप जरूर आइए। सर एक जिस एरिया में बिलोंग करता हूँ यहाँ से नियर ऑफ ग्वालियर जैसे पास में, वहाँ पर कोई आपकी फ्रेंचाइजी दे रखी है क्या? नहीं सर, ग्वालियर में नहीं है, मेरे पास भोपाल में। आगरा, आगरा में सर, आगरा नियर ऑफ 80 किलोमीटर है मेरे यहाँ से। आगरा भी बात हुई है, आगरा आगरा मशीन इंस्टॉल हो जाएगी एक महीने के अंदर अंदर, अभी नहीं है बट आगरा में फ्रेंचाइजी क्लोज हो गया है। आगरा में फ्रेंचाइजी क्लोज है। हाँ सर, एक और चीज है, जैसे अभी मैं इसमें आपकी जो फ्रेंचाइजी आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो यहाँ पे ये ई रिक्शा का बहुत ज्यादा वो क्रेज है। रिक्शा के साथ जो प्रॉब्लम आती है तो क्या हम इनको जैसे ई रिक्शा जितने भी सेल्स डीलर हैं उनसे टाई अप करके अपन भी बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं सर? देखिए ऐसा है जीतू जी कि हम लोग ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम ही नहीं करते। रीजन बीइंग कि जो 70,000 करोड़ की मार्केट है इसमें से 18% जो है सिर्फ ऑटोमोबाइल है, चाहे वो ट्रक की, बस की, कार की, ई रिक्शा की बैटरी हो। अब ई रिक्शा में दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ई रिक्शा वाले की कमाई तब तक है जब तक कि वो ई रिक्शा चला रहा है। अब ई रिक्शा अगर आप सही तरीके से उसकी बैटरी को चार्ज करते हैं तो 7 से 8 घंटे लगते हैं उसको नॉर्मल वे में चार्ज होने में, यानी कि अगर उसने रात को चार्ज करा और 10 बजे ई रिक्शा निकाली तो फुल चार्ज पे वो 4 घंटे चलती है, तो 2 बजे उसकी बैटरी का बैकअप खत्म हो गया। अब अगर उसको वो सही ढंग से फिर चार्ज करेगा तो 7 से 8 घंटे लगेंगे, 8 घंटे का मतलब कि रात के 10 बज गए तो उसकी कमाई खत्म है। तो वो क्या करता है, फास्ट चार्जिंग के लिए जो SMPS लगा होता है बैटरी के आगे उसको निकाल के डायरेक्ट करंट मारता है बैटरी की प्लेट पे, जिसके वजह से बैटरी की प्लेट खराब हो जाती है। इसलिए हम लोग ई रिक्शा की बैटरी पे काम ही नहीं करते। अच्छा, ये प्रॉब्लम है जी। अब आज के सिनेरियो में जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं ई रिक्शा बैटरी के, वो 2 या 3 महीने से ज्यादा वारंटी नहीं देते। आज की डेट में लेड एसिड बैटरी पे ई रिक्शा पे 3 से 6 महीने के बीच में वारंटी आती है। सर एक और क्वेश्चन है, ये जितने भी टावर लगे हुए हैं आपने कहा ये टावर है उन पर बैटरी का यूज होता है, तो ये क्या ऑलरेडी उनकी टाई अप हो रहता होगा, उन्हीं से रिप्लेस कराते होंगे? आप BTS टावर्स की बात कर रहे हैं, मोबाइल टावर्स की? हाँ, जो मोबाइल टावर्स में 4 कंपनीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, एक है रिलायंस जियो, एक है भारती इंफ्राटेल, एक है एयरटेल और एक है अमेरिकन ATC, अमेरिकन टावर कंपनी। इन तमाम कंपनियों के साथ अभी हमारी बातचीत चल रही है, भारती इंफ्राटेल और एयरटेल से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, लेकिन हम लोग जो बैटरीज करते हैं वो टावर में नहीं करते हैं, इन सभी के वेयर हाउसेज हैं। ये बैटरीज जब खराब हो जाती है उतर के वेयर हाउस में आती है, वेयर हाउस में हम उनको रिज्यूविनेट या रिवाइव करते हैं। तो सर क्या इनके हमारे जो रीजनल एरिया है उसमें इनके वेयर हाउसेस की जानकारी, इनके कॉन्टेक्ट नंबर आपके द्वारा मिलेंगे सर? अगर मेरा अभी तो मेरा 2 ही कंपनी से साइंड है, अगर चारों से हो जाएगा तो करीब करीब चारों कंपनी के मिला के 60 के आसपास वेयर हाउस है। अगर आपके लोकेशन में वो वेयर हाउस आ रहा होगा तो उसका काम आप ही को करना। नहीं सर, 100% होगा। यहाँ से जो मेरा जो बड़ा शहर है ग्वालियर जी, वो 35 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक तो 100% होगा, क्योंकि बैटरी का मुझे लग रहा है कुछ फ्रेंचाइजी वहाँ पे क्या है कि बैटरी कॉन्टेक्ट दे देते हैं, जैसे ये बड़ी कंपनियां उसके बाद छोटी कुछ चेक करने जाती है वहाँ पे बैटरी। जीतू जी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हैं शंकर जी, आप इस वेबिनार के बाद उन्होंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उनसे डिटेल जो बातचीत है उनसे आप डायरेक्टली कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। और सर मैं आपके यहाँ पे कब तक इसमें ट्रेनिंग सेशन को देखने आ सकता हूँ? आप कभी भी आ सकते हैं जी, मंडे और फ्राइडे के बीच में, व्हेनेवर इट इज पॉसिबल यू कैन कम डाउन टू ऑफिस। अच्छा सर, तो एक दिन में सर थोड़ा सा मोटिवेट आइडिया तो हो जाएगा ना सर, एक दो दिन का लेना? नहीं, आपको 2 घंटे चाहिए सर, रॉकेट साइंस नहीं, आप 2 घंटे में समझ जाएंगे। एक्चुअली मैं नॉन टेक्निकल एरिया से आता हूँ, नॉन टेक्निकल एजुकेशन से, केवल कंप्यूटर से हूँ। जीतू जी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे तो कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है, कुछ सीनियर लेवल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि उन्होंने भी ले रखी है, तो जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल हैं या नहीं है, आपका जो आदमी रखेंगे वो टेक्निकल होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा, ओके सर, राइट, थैंक यू, थैंक यू जीतू जी, थैंक्स अ लॉट। एंड जीतू जी आपने कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स पर ड्रॉप नहीं किया अभी तक, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी और कहाँ पे ये आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, ये सब प्लीज आप चैट बॉक्स पर ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू। इसका रेडमी
सब प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करिए, मेरा क्वेश्चन है। यस मिस्टर रेडमी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस सर कैन यू हियर मी? सर इनका क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे। मेरा क्वेश्चन है कि राजस्थान भरतपुर से हेलो अशोक आपका आवाज नहीं आ रहा। यस ये भरतपुर से है, जानना चाहते हैं भरतपुर में अपॉर्चुनिटी है सर एनर्जी एंड फायर आउटलेट ओपन करने के लिए? हाँ भरतपुर में मेरे पास फ्रेंचाइजी नहीं है फिलहाल, मेरे पास जयपुर में है और अभी जोधपुर फाइनल हुआ है, तो भरतपुर में करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेजेंट पर क्लिक करिए। सो नाउ वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर विजय जी। मिस्टर विजय प्लीज अनम्यूट करिए अपने तरफ से। हां विजय बजारे। हां या सर पुणे में क्या है अपॉर्चुनिटी इसका? सर पुणे में मेरे पास करीब करीब 4 मशीन या 3 मशीन ऑलरेडी है। चाकन इंडस्ट्रियल एरिया में 2 है फ्रेंचाइजी, पुणे सिटी में 1 है। सो पुणे में आप कहां चाह रहे हैं? हड़प्सर में। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन अगेन? हड़प्सर 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 में यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम। ठीक है ओके 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 देन ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन सर। या ये जो अभी आजकल इसका एक्साइड का वगैरह जो है वो अभी और ड्राई बैटरी का चल रहा है ना? ऐसा है सर कि ड्राई और फ्लडेड में क्या फर्क है वो समझिए। जो पहले बैटरी आता था उसको हम फ्लडेड बैटरी बोलते थे जिसमें डीएम वाटर डलता था। बराबर। ड्राई जो है या शील्ड मेंटेनेंस है वो वीआरएल है, वर्ल्ड रेगुलेटेड लेड एसिड, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की जगह जेल है, पर है वो भी लेड एसिड और वो भी रिफ्यूज होती है। अच्छा तो ये अपने इधर कर सकते हैं अगर ड्राई रहेगा तो भी? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ड्राई भी कर सकते हैं जी। ठीक है सर थैंक यू। वेलकम। Thank you, sir. Thanks a lot. And dear participants, we have only 2 minutes left. So request you all, please drop your name, contact number in chat box. And Mr. Jitu, आपने अपना contact number chat box में drop नहीं किया, so request you, please drop your name, contact number with mail add in chat box. Thank you all. डियर पार्टिसिपेंट्स आज हमने इंडियाज वेल नोन एंड ग्रोइंग बैटरी सर्विस फ्रेंचाइज सर्विस ब्रांड एनर्जी एंड फायर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर गौरव जी से और मिस्टर शंकर जी से जाना। एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आप एनर्जी एंड फायर की फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं या फिर ब्रांड बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज आप डायरेक्ट एनर्जी एंड फायर टीम से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर, इट्स 9090905599। आई रिपीट अगैन, इट्स 9090905599। डियर पार्टिसिपेंट्स अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर इन चैट बॉक्स। एंड इफ यू वांट टू नो आवर नेक्स्ट अपकमिंग फ्रेंचाइज वेबिनार देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू फ्रेंचाइज अप्लाई टीम। आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 8209930950। एंड वॉर्म थैंक्स टू मिस्टर गौरव जी एंड शंकर जी फॉर एड्रेसिंग टुडे वेबिनार सेशन। Thanks a lot, sir. Thank you very much, Ashok ji and Franchise Apply team for organizing such a wonderful webinar. And would also like to extend thanks to all the participants. Thank you very much all. And you can reach us on our website, which is mentioned here, www.energyandfire.com. Or else you can reach us on this number 9090905599 for any further query. Thank you, everyone, and have a good Sunday. Thanks, sir. Thanks, Gaurav ji. Thanks, Shankar ji.
एंड थैंक्स टू आवर पार्टिसिपेंट्स फॉर अटेंडिंग टुडे वेबिनार सेशन. बाय एंड टेक केयर. बाय सर.